नमस्कार दोस्तों, एरो इंटरनेशनल में आपका स्वागत है। मैं हूं इंद्रजीत सिंह। जैसे कि हम अपने जो फर्स्ट वीडियो आपको ब्रॉडकास्ट की यूट्यूब पे, तो काफ़ी अच्छे रिव्यूज आए। तो हमारे जो प्रोडक्ट हैं, जो सोलर पैनल क्लिनिक जो ब्रश है, तो हमसे यूट्यूब से कॉन्टैक्ट करके बहुत से लोगों ने इसको परचेज किया और परचेज करने के अलावा वो यूज़ किया। तो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कैसे इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं, फिक्स कैसे करते हैं। तो काफ़ी कस्टमर्स जो हैं हमारे हैं, उनको दिक्कत आई, प्रॉब्लम आई, तो उन सब के सोल्यूशन के लिए। और सेकंड नंबर पे जो हमने जो प्रोडक्ट रेंज है, जो हमने एड ऑन किया है अपने प्रोडक्ट रेंज में, तो वो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं। तो आपको ये सबसे पहले आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ कॉम्बी ग्रास ब्रश। तो दोस्तों, ये है कॉम्बी ग्रास वाइपर। जैसे कि हमने अपनी जो लास्ट वीडियो है उसमें भी दिखाया था। अब लास्ट टाइम प्रॉब्लम क्या थी, पोल की। तो इस बार हमने एक नया एड किया है। ये जो पोल है 3 मीटर का पोल है, तो पहले 3 मीटर का नहीं आता था, तो इसमें काफ़ी दिक्कत रहती थी। जो लोगों जो 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 कोर्सिंग है इसकी काफ़ी हाई थी। लास्ट जो वीडियोज में हमने आपको 4 मीटर दिखाया, तो अच्छे वाजिब प्राइस के साथ हम 3 मीटर का पोल लेके आए। तो इसमें क्या है, 3 मीटर का पोल है, सेम सिस्टम है जैसे कि आपको दिखाया था। डिफरेंस ये है इसके साथ जो वाटर सप्लाई वाला पाइप हम साथ में नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसके साथ ऑप्शन भी नहीं है कैसे यूज करना है। तो आपको मैं दिखाता हूँ उसको कैसे यूज करना है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक पर्सन जो है वो वाइपर के साथ क्लीनिंग कर रहा है पैनल्स को, और उसके साथ जो दूसरा पर्सन है वो पाइप के साथ जो है वाटर सप्लाई वाला पाइप है उससे वो अपना पानी फेंक रहा है पैनल्स के ऊपर। तो ये जो कॉम्बी ग्रास वाला जो ब्रश है, अगर ये आप यूज़ करोगे, इसमें आपको 2 पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी। एक जो है क्लीनिंग करेगा और दूसरा जो है पानी फेंकेगा। जी, अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाने जा रहा हूँ 4 मीटर वाला। जो हमारा पहला जो लास्ट पोल था उसको हम 4 मीटर बोलते थे, 4 मीटर। तो अभी हमने थोड़ा चेंज कर दिया है, इसमें अभी 4 मीटर की बजाय 4.5 मीटर आ गया है। और सेकंड इसमें चेंज क्या आ गया है कि जो पहले पोल था 4 मीटर का, उसके जो पोल थे 2 पोल को ज्वाइन करके बना होता था, जैसे 2+2, और इसमें जो है 3 पोल है, 4.5 है, 3 पोल है इसमें। ये देखिए, ये पहला पोल आ गया जो आगे जा रहा है, ये सेकंड नंबर वाला पोल आ गया, और ये जो है थर्ड नंबर वाला पोल। तो 2+2+2 यानी कि ये 4.5 मीटर में 3 पोल आ गए जो आपस में इंटरकनेक्ट हैं। बाकी आपको जो है यूज कैसे करते हैं इसको, कैसे इसके साथ ब्रश कैसे कनेक्ट करना है, आपको इजीली आता ही है कि जैसे ये ब्रश है तो ब्रश को इसमें इजीली जो कनेक्ट हो जाएगा, तो इस तरीके से कैसे यूज करते हैं। अभी आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ वीडियो हाउ टू यूज ऑन पैनल। कई कस्टमर्स हमें पूछते हैं कि पानी का प्रेशर कैसे बनेगा, तो उसके बारे में आपको मैं बताना चाहूँगा। अगर सपोज करो कि जो पैनल्स हैं काफ़ी हाइट पे लगे हुए हैं, तो आप जो है टुल्लू पंप यूज़ कर सकते हो, या नेक्स्ट जो ऑप्शन है मोटर यूज़ कर सकते हो। आप इस वीडियो में देखिए किस तरह जो हमारे कस्टमर हैं इन्होंने मोटर के साथ कनेक्ट कर लिया है वाटर सप्लाई वाले पाइप को आगे वाल लगा के, तो उनका जो है ज़्यादा हाइट नहीं है, पर इन्होंने फिर भी जो है मोटर यूज़ कर ली है। अगर आपका काफ़ी हाइट पे है, 10 फुट पे है, 15 फुट पे है, या 7 फुट पे है, तो आपको प्रेशर चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हो मोटर उसके आगे वाल लगा कर। अभी ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ जो वाटर पैनल क्लीनिंग ब्रश है, इनके साथ हम आपको 10 मीटर पाइप आपको साथ में देते हैं। जैसे ये 6 मीटर वाला ब्रश है, ठीक है, तो 6 मीटर वाले ब्रश में 3 पोल है, 2+2+2, तो ऐसे ही जो है ये 9 मीटर वाला ब्रश, मैं चाहूंगा कि ऊपर से दिखाएं। ये 3 मीटर की टोटल लेंथ है, यहाँ तक 3 मीटर+3 मीटर+3 मीटर, सो ये काफी लंबा पाइप हो जाता है। तो टोटल जो एल्यूमिनियम का पाइप होता है, तो इसके साथ हमारे जो कुछ कस्टमर्स हैं जो बोलते हैं कि हम आगे 10 मीटर से अगर हम ज्यादा पाइप चाहिए तो क्या यूज करें, तो उसका मैं काफी बार सोल्यूशन बता चुका हूँ। ज्यादा आप नॉर्मल जो अपने घरों में जो रबड़ वाला पाइप होता है आप उसको यूज कर सकते हो, जो उसका जो किनारा है, फॉर एग्जाम्पल उसका जो किनारा है, तो इसके आपको ज्वाइंटर मिलेगा। ज्वाइंटर आपको मैं दिखाना चाहूंगा, स्क्रीन की साइड पे फोटो आ रही है, तो ये ज्वाइंटर आप यूज कर सकते हो किस तरीके से, इसको एक तरफ से चढ़ा के दूसरा तरफ जो है वो आप रबड़ वाले पाइप पे कनेक्ट कर लो। जहाँ इसका सेकंड ऑप्शन है, हम आपको ये ज्वाइंटर देंगे जो आप दो एक ज्वाइंटर लगा के ऐसे वाले ब्रश के ऊपर ये आ जाता है, इसको कनेक्ट करने के बाद जो इसका लास्ट जो बिल्कुल एज है उसको ऐसे डाल के जो नल आता है, नल में इसको फंसा सकते हो जिससे पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी।
तो इस तरीके से आप पाइप दबाव से एक्स्ट्रा पाइप भी परचेज कर सकते हो जो कि मीटर के हिसाब से आता है। और इसके अलावा अगर आपको और जानकारी चाहिए जो अभी तक आपको हमारी वीडियो से इसका आंसर नहीं मिला है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आप ऊपर की तरफ लेफ्ट और राइट पे हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी देख सकते हो, इस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर वैसे 9780922002 है, इस पे आप कॉन्टैक्ट करके हमसे जान सकते हो। हमारा जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वो ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई कर रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे और प्रोडक्ट सोलर प्रोडक्ट्स हैं वो आप पूरा स्ट्रक्चर की फिटिंग की एसेसरी परचेज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल जो पर्लिन है, राफ्टर है, मिड क्लब जॉइंटर, डिग्री हैंगर, बेस प्लेट आ गया, स्प्रिंग नट आ गया, हमारे पास कंप्लीट एसेसरी अवेलेबल होती है और हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे इंडिया में सप्लाई कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की आपकी इंक्वायरी हो तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और हमारे जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, नमस्कार।